हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर यूनिट 2 के चैप्टर 4 जो हम डिस्कस कर रहे थे रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेस, उसको फर्दर आगे बढ़ा रहे हैं, है ना। तो टॉपिक है आज का क्रिटिकल एंगल। चलिए इस टॉपिक को देखें, क्रिटिकल एंगल, और इसके बाद जो अपना टी आई आर है ना, उसको देख के बच्चे घबरा जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि अभी जो मैं जिस तरीके से बिना कुछ बताया मैं जैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ ग्राफिकल वे में, और ध्यान से देखो बिल्कुल समझ में आने वाला है, दिमाग में छप जाएगा। कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें बोर्ड में है ना, एक या दो क्वेश्चन तो पक्का रहता है इस टॉपिक से, इस पर्टिकुलर चीज से। तो एक बार देखो, लेट्स से कि एक सेपरेशन प्लेन मीडियम का सेपरेशन प्लेन है, मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। अभी है ना इस वाले पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल वाला केस जो है, इसमें क्या हुआ, लाइट है ना, लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रैवल करेगा, ऐसा ठीक है। तो अपन पहले क्या जानते हैं, रिफ्रैक्शन होता था, मान लीजिए नॉर्मल है, एक रे ऑफ लाइट आती थी, अगर ये रेयर है ये डेंसर है तो क्या होता था, ऐसे जाना चाहिए लेकिन थोड़ा बेंड होती। वैसे ही भी हम देखेंगे कि मान लीजिए चलो कि रे ऑफ लाइट है यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है ना, तो ये रे ऑफ लाइट है। जैसे कि ये वाला डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाना चाहती है, तो ये वाला नॉर्मल है ना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला हो गया। अभी ये रे ऐसे जा रही है, कैसे जाना चाहिए, सीधे ऐसे जाना चाहिए एज एक्सपेक्टेड, बट क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि मीडियम की डेंसिटी चेंज हो रही है, डेंसर से रेयर जा रही है, तो क्या होना चाहिए, अवे फ्रॉम नॉर्मल है ना, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब देखो डेंसर से रेयर वाले केस में हमेशा से दिख रहा है ना कि एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर मान लीजिए कि ये एक्सपेक्टेड पाथ से पास पास हो जाता तो आई जो ये वाला जो एंगल है ये आई के बराबर होगा अभी, लेकिन आर जो है वो इस वाले एंगल से थोड़ा ज्यादा है, अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एंगल ऑफ आई जो है वो ऑलवेज लेस देन एंगल आर है, क्या होगा अगर सीधे पास करके तो आई ये वाला एंगल थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन सीधे पास करके अवे फ्रॉम नॉर्मल जा रही है तो क्या एंगल आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर सकते हैं एंगल आई जो है वो ऑलवेज लेस देन होगा एंगल आर से, ठीक है। अगर मैं दूसरा एक सेट ले रहा हूँ, है ना, दूसरा एक सेट ले रहा हूँ, अभी एंगल आई को मैं थोड़ा बढ़ा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एंगल आई को थोड़ा बढ़ा रहा हूँ। मैं क्या किया, इस वाले रे को देखो, ये एक रे है, ये एक रे है, ऐसे जा रही है, अभी ऐसे जाना चाहिए, ऐसे जा रही है। अभी मैं यहाँ पे कंडीशन में हमेशा एंगल आई आर से कम हो रहा है, मैं एंगल आई और बढ़ाऊंगा तो एंगल आर और बढ़ेगा ना, और मैं बढ़ाऊंगा और बढ़ेगा। इसे मैं दूसरा वाला एंगल, ये वाला एंगल आई वन ले लो, ये एंगल आई वन मान लो, ये वाला जो एंगल ले रहा हूँ इस वाले आई, इसको आई आई टू मान लो, मतलब और कंडीशन ये है कि इस वाले केस में एंगल आई वन इज लेस देन एंगल आई टू, मतलब ये वाला एंगल आई को मैं बढ़ा रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा, एज एक्सपेक्टेड कैसे जाना चाहिए, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन क्या होगा, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अभी थोड़ा और बेंड होगा, है ना, इसको बढ़ाया तो ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। ये वाला एंगल आर, यहां भी एंगल आई टू इज लेस देन एंगल आर, तो क्या है यहाँ पे आर, ये एंगल आर हो गया, ये एंगल आई हो गया, दूसरा सेट लिया मैंने। अभी यहाँ पर पैटर्न क्या था कि एंगल आई है, हमने क्या कंक्लूड किया था कि एंगल आई हमेशा इस पर्टिकुलर केस के लिए हमेशा एंगल आर बड़ा होगा, तभी मैं एंगल आई को बढ़ाया हूँ तो एंगल आर और बढ़ गया, तो बेसिकली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ऐसे जा रहा है, इसको और करेंगे क्या होगा, इधर आएगा, इसको और फर्दर करेंगे तो यहाँ आएगा, है ना। तो ये वाला एंगल आई जो है ये भी टू वाला, ये भी एंगल आर टू, अभी जो ये आर टू है, आर टू है, ये भी वो कंडीशन को फुलफिल करेगा क्योंकि डेंसर टू रेयर है कि नहीं,
रिजल्टेड एरर में हमेशा अल्फा नॉर्मल, दैट्स व्हाई एंगल इंसिडेंस क्या होगा, छोटा होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन से, ठीक है कि नहीं। तो अभी अभी ये क्या पैटर्न आपको समझ में आ रहा है कि इसको बढ़ाने से ये नीचे आ रहा है ना, तो इसको और इतना बढ़ा दो, अभी बढ़ाओ और थोड़ा नीचे आएगा, और थोड़ा बढ़ाओ यहां आएगा, तो एक इतना बढ़ाओ कि ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है ना वो जो प्लेन ऑफ सेपरेशन है उस पे लाई कर जाए, उस पे कोइंसाइड कर जाए। तो मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस एक केस ऐसा लूंगा, मैं आगे देखो एंगल ऑफ ये इंसिडेंस है, इसको और बढ़ाया है, क्या किया और थोड़ा बढ़ाया, इससे क्या होगा कि लाइट रे जो है ऐसे आते हैं, तो वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई थ्री को एक और ले रहा हूं, इससे बड़ा है, इस वाले केस में आई टू से बड़ा है आई थ्री, तो वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माने क्या है 90 डिग्री, देखो है ना क्या हो गया, इसको और इतना उठाया कि ये यहां पे लाई कर गया, कोइंसाइड कर गया, ठीक है। तो वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को ही हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, वैसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो जाए, उसको क्या बोलेंगे, उस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बोलेंगे क्रिटिकल एंगल, ठीक है। और इस कंडीशन में भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, लेस देन है, तो इसका मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी 90 डिग्री से कम है ना, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वुड बी 90, सेम डिग्रीज, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं क्रिटिकल एंगल, ये जो पैटर्न समझ लिया आपने उसको कभी दिक्कत नहीं होने वाली, और इसको जिसने समझ लिया उसको TIR बस एक स्टेप और आगे है, हो सकता है जिसने ध्यान से देखा हो समझ में आ गया होगा। अभी देखो इसको और फर्दर मैं आगे उठाऊंगा तो क्या होने वाला है, ये वापस से इधर आ गया, अभी देखो यहां था तो इधर था, इसको और बढ़ाया इधर आया, और बढ़ाया तो यहां पे कोंसेंट कर गया है, अभी इसको और मैं बढ़ाऊंगा तो क्या होने वाला है, और बढ़ाऊंगा तो अभी यहां स्पेस में इसको और बढ़ाया तो क्या होगा, देखो इधर आ गया, तो यही तो अभी इधर आ जाएगा, देखते हैं नोट कर लीजिए, अभी समझते हैं हम TIR दैट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बोलोगे सर बढ़ा रहे हो तो आप तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बात कर रहे हो, तो रिफ्लेक्शन की ये कैसे हो, ये ऐसे हो रहा है, ये पर्टिकुलर केस है जब आप टेंसर से एरर वाले केस में रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ते हो तो कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन आकर कंडीशन पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो जाता है, रिफ्लेक्शन वाला पिरामिड। अभी इसी वाले इसको फर्दर एक और स्टैंडर्ड हम करेंगे, जैसे ये स्पेस सेपरेशन प्लेन है, इसको आपने इस वाले पर्टिकुलर क्रिटिकल एंगल जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, क्रिटिकल एंगल को किस से डिनोट करते हैं, सी से, है ना। अभी ये एंगल आई जो थ्री है दैट इज एंगल सी, इसी को बोलते हैं। अभी क्रिटिकल एंगल पे क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया, इसको तो क्या करना है, एंगल इस वाले केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस लो जो एंगल आई थ्री से ज्यादा है, एंगल आई थ्री से और थोड़ा ऊपर उठा लिया, उसको और ऊपर आया तो एंगल आई थ्री के आपसे ज्यादा, ये लेट्स से एंगल आई फोर है ना, इधर भी मतलब ऐसे, तो एज एक्सपेक्टेड तो अभी क्या है, यहां पर था तो इधर को अप्लाई कर दिया और फर्दर उठाने में क्या होगा, वापस इधर आ जाए, तो देखो क्या होगा,
डेंसर से मिरर था ये, तो डेंसर से क्या रिफ्लेक्ट हुआ, इंसिडेंट यहां पे स्ट्राइक किया, वापस से उसी मीडियम में आ गया, वापस से उसी मीडियम में आ गया, तो क्या हो, क्या हो गया, रिफ्लेक्शन ही तो जैसा हुआ, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, एक लाइट रे थी स्ट्राइक कर रही थी वो वापस बाउंसिंग बैक हो जाती थी, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट टू द इन द सेम मीडियम दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और यहां भी तो वही हो रहा है, डेंसर से मिरर में जाना था लेकिन इतना एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपने बढ़ा दिया कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया था, तो क्या हो रहा है, लाइट रे क्या हो रहा है, बाउंसिंग बैक टू द सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है, तो इस वाले प्रॉपर्टी, इस वाले फिनोमेनन को क्या बोलते हैं, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पे लाइट इस पर्टिकुलर सिचुएशन का, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट का ये ब्यूटी है, इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन भी है कि इसमें लाइट ना एब्जॉर्ब, मतलब लाइट की जो हमने डिस्कस किया था कि रिफ्लेक्शन एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन, ये जो तीनों चारों हमने फिनोमेनन पढ़ा था, इसमें रिफ्लेक्शन को छोड़कर बाकी कोई भी फिनोमेनन नहीं होता है, 100% लाइट रिफ्लेक्ट होती है, इसका मतलब क्या हो रहा है, लाइट जो इंटेंसिटी है वो लॉस नहीं हो रही है ना, लाइट की इंटेंसिटी जो लॉस नहीं हो रही है, कंप्लीट लाइट क्या होता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, कंप्लीट लाइट क्या कर जाता है, रिफ्लेक्ट कर जाता है, तो इस वाले फेनोमेनन को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, नॉट ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को अगर लिखना चाहो तो कैसे लिख सकते हैं, डिफाइन कर देते हैं टोटल TIR शॉर्ट में था, व्हेन जो हमने डिस्कस किया उसी के बाद स्टेटमेंट When light ray strikes obliquely क्यों बोल रहा, अगर ये नॉर्मली जो है तो ट्रांसमिट हो जाती है ना, इससे obliquely जरूरी है, obliquely from denser medium denser medium to rarer medium है ना, denser से rarer medium start कर रही है, तो light reflect back, light rays reflect back to the same denser medium इसमें कंडीशन क्या क्या है, कंडीशन एक कंपल्सरी, दो कंपल्सरी कंडीशन है, एक कि जो लाइट है ना वो डेंसर से रेयर में ही जाना चाहिए, रेयर से डेंसर में ही फिनोमेनन नहीं होगा है ना, तो पहला कंडीशन क्या है, डेंसर से रेयर में ही जाना चाहिए लाइट को, दूसरा कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, ठीक है ये दो कंडीशन है फॉर सक्सेसफुल TIR, और ये इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइट यहां पे 100% के 100% लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, कोई भी लाइट एब्जॉर्ब या रिफ्लेक्ट नहीं होती है, कंप्लीटली लाइट रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम हो जाती है, तो इसको क्या बोल सकते, ये तो आपको पता ही है, इंसिडेंट रे ये रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, इस वाले में फिनोमेनन है ना, ये जो हो रहा है कि प्लेन सब जो आपका सेपरेशन प्लेन था उस पे जो कोइंसाइड कर रहा है इसको बोलते हैं ग्रेजिंग द प्लेन, ग्रेजिंग टू द प्लेन, ठीक है, ये लिखिए
और ये हम फर्दर बढ़ाते हैं इस वाले कंसेप्ट को, क्रिटिकल एंगल। और अभी क्या क्या सीखा हमने, क्रिटिकल एंगल एंड टीआई, तो इसको समझने के लिए एक मैंने एग्जांपल लेते हैं अपन। एक लाइट रे जो है ना वो क्या कर रही है, स्ट्राइक कर रही है यहां पर, मामूली स्ट्राइक कर रही है, मामूली स्ट्राइक कर रही है, तो क्या होगा, सीधे पास नहीं कर जाएगी, मामूली स्ट्राइक कर रही है। अच्छा ये बताया ना आपको फिजिकल और रिवर्सिबिलिटी, मतलब लाइट अगर नॉर्मली किसी प्लेन पर स्ट्राइक करती है तो वो अनडेविएटेड पास कर जाती है। तो यहाँ पे क्या है, इस वाले पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये इंसिडेंट रे जो है आपका वो स्ट्राइक कर रही है नॉर्मली, तो क्या होगा, सीधे पास कर जाएगी। ये ग्लास है, ग्लास है, ये एयर मीडियम है। तो अभी देखो लाइट यहाँ पे स्ट्राइक, अभी दूसरा एक इंटरफेस, ये वाला इंटरफेस वन है, इसको इंटरफेस अगर वन मानते हैं, यहाँ पे लाइट नॉर्मली इसलिए पास कर गई। यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन बोला गया कि ये वाला जो एंगल है ना ये दिया हुआ 42 और क्रिटिकल एंगल जो दिया है एंगल सी गिवन है, क्रिटिकल एंगल क्या दिया हुआ है 42 डिग्री दिया हुआ है और ग्लास का ये बाय डिफॉल्ट 42 डिग्री होता है, ठीक है। और ये वाला भी एंगल क्या दिया हुआ है, गिवन है कि जहां पे स्ट्राइक कर रही है ऐसे स्ट्राइक कर रही है, यहां पे एंगल 45 डिग्री होता है। तो जैसे ही लाइट कहीं पे स्ट्राइक कर रही है क्या बोला था कि तुरंत क्या करना चाहिए, एक नॉर्मल ड्रॉ करना चाहिए उस पर्टिकुलर इंटरफेस के स्पेक्ट्रम पर, ठीक है, उस पर्टिकुलर इंटरफेस के। तो इसको ले सके इंटरफेस 2 मैं बोल रहा हूं। अभी क्या होगा, ये वाला टोटल कितना एंगल है 90 डिग्री, ठीक है, ये 42 डिग्री, ये वाला क्या एंगल होगा 90 माइनस 42 डिग्री, दैट इज इक्वल्स टू 48 डिग्री, है कि नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाला इंटरफेस 2 के लिए आ जाएगा 48 डिग्री, कितना 48 डिग्री। अभी देखो ये वाला कौन सा मीडियम है, ग्लास है, इधर बाहर क्या है एयर, ये एयर ग्लास, तो डेंसर और ये रेयर। तो अपना टीआईआर का कंडीशन देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा, है ना। अभी पहला कंडीशन क्या है, डेंसर से रेयर, टीआईआर का कंडीशन पढ़ा हमने, एक डेंसर से रेयर, दूसरा एंगल आई शुड ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल आई शुड ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो अभी देखो पहला कंडीशन डेंसर से रेयर फुलफिल, दूसरा देखो अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 42 या 48, बच्चे गलती करते हैं, इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस मानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का है, 48 डिग्री है, ठीक है। अभी यहाँ पे लाइट क्या होना चाहिए, दूसरा भी कंडीशन फुलफिल हो गया, एक तो डेंसर से लेकर दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, यहाँ 48 डिग्री इज ग्रेटर देन 48 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, सो दूसरा कंडीशन भी फुलफिल, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, लाइट रिफ्लेक्ट बैक टू द सेम मीडियम। तो ये 48 डिग्री, तो ये कितना एंगल ऑफ, अच्छा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, अच्छा यहाँ पे जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रही है ना टोटल रिफ्लेक्शन, इसमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ना उसी के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे 48 डिग्री, तो ये वाला एंगल कितना डिग्री हो जाएगा, ये भी 48 डिग्री लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन से 48 डिग्री। अभी ये 48 डिग्री तो यहाँ पे नॉर्मल, हाँ ये 48 डिग्री हो गई। अभी एक मैं यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करूँ, क्या कर रहा हूँ, ये 48 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये तो ये कितना डिग्री, ये 42 डिग्री फिर से, है ना। अभी देखो इस वाला इंटरफेस 3 के लिए, इंटरफेस 3 के लिए हम क्या देखते हैं, इंटरफेस 2 के इधर देखना, इंटरफेस 2 पर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ डेंसर से रेयर जा रहा है और एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज इक्वल टू 48 डिग्री व्हिच इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री, ठीक है। तो 48 डिग्री ग्रेटर देन 42 डिग्री ये फिक्स हो रहा है दोनों कंडीशन में, सो टी आई आर विल टेक प्लेस, सो टी आई आर विल टेक प्लेस, ठीक है। अभी क्या है इंटरफेस 2 के लिए देखते हैं, इंटरफेस से इंटरफेस 3 में क्या हो रहा है वो देखते हैं। इंटरफेस 3 में भी ये वाला पर्टिकुलर रे, अभी रे ये हो गया,
तो ये वाला ट्रायंगल इस पर देखो क्या हो रहा है, एंगल ऑफ सॉरी टेंसर से लेटर जा रहा है, ये ग्लास से बाहर जाना चाहेगा जाएगा तो टेंसर से लेटर। दूसरा क्या कंडीशन है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इसमें क्या है 42 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू 42 डिग्री एंड व्हिच इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, यहां पे इज व्हिच इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल, यहां पे 42 डिग्री इंसिडेंट एंगल भी हो गया और क्रिटिकल एंगल भी 42 डिग्री है। तो क्या होगा जब कंडीशन क्रिटिकल एंगल के बराबर हो जाए तो क्या होगा, लाइट ग्रेस टू द प्लेन ऐसे लाइट, लाइट क्या होगी ऐसे एज एक्सपेक्टेड कहां जाना चाहिए यहां पे, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता क्रिटिकल एंगल से तो रिफ्लेक्ट हो जाती और यहां पे क्या इक्वल है तो इस वाले प्लेन पे क्या होगा कोइंसिडेंट के पास। एक बार शॉर्ट में बताता हूँ, एक लाइट रे कंक्लूड कर रहा हूँ मैं इसको, एक लाइट रे स्ट्राइक करी इस वाले पर्टिकुलर इंटरफेस वन पे तो एट 90 डिग्री सो लाइट विल पास थ्रू आउट है ना, लाइट भी चला जाएगा। इंटरफेस टू में जो स्ट्राइक कर रही है वहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ ये 42 डिग्री पे स्ट्राइक करेगी, ऐसे हम लाइट पास करेंगे 42 डिग्री पे, तो यहाँ पे क्या करेंगे पर्टिकुलर ड्रॉ करेंगे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, लेकिन ये टोटल 90 डिग्री ये 42 डिग्री तो 48 डिग्री तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, और यहाँ पे क्या होगा डेंसर से लेकर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 48 डिग्री और क्रिटिकल एंगल से कंपेयर करेंगे तो 42 डिग्री से ग्रेटर देन सो TIR विल टेक प्लेस तो लाइट रिफ्लेक्ट बैक। अभी क्या है ये वाला 48 डिग्री है ना बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ठीक है, तो ये 90 डिग्री ओके, अभी 90 डिग्री ये 48 डिग्री तो एंगल लॉ एक ट्रायंगल का 90 डिग्री होता है तो 90 प्लस 48 180 से माइनस करने का 42 डिग्री ओके, तो 42 डिग्री यहाँ पे क्या हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और हमको पता है कि क्रिटिकल एंगल भी 42 डिग्री है तो 42 डिग्री है तो लाइट विल ग्रेस टू द प्लेन। इसको लिख लीजिए रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या पढ़ रहे हैं रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड न्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है, क्या रिलेशन होता है अगर हम देखें न्यू इज इक्वल टू न्यू ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज इक्वल टू क्या होता है साइन ऑफ सी अपॉन साइन ए, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल अपॉन साइन 90 डिग्री ठीक है। तो और अपने को पता है साइन 90 क्या होता है, साइन 90 डिग्री क्या होगा 1 है ना, साइन 90 डिग्री 1 तो ये वाला कैसा दिखेगा refractive index of air with respect to glass is equal to sin c में तो critical angle number तो जहाँ से क्या हम लोग कर सकते हैं कि जो that is equal to mu of a with respect to glass is equal to sin c। अभी अगर हम इसका उल्टा अगर हम लिखना चाहते हैं कि mu of glass with respect to air क्या हो जाएगा 1 अपॉन न्यू ऑफ एयर इज टू ग्लास दैट इज जस्ट 1 अपॉन साइन सी, हां या ना। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि साइन सी इज जस्ट टू साइन सी इज जस्ट टू न्यू ऑफ जी इज जस्ट टू एयर सर 1 का
साइन यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ लेना इसको यहाँ लेना, तो साइन सी इजी क्वेश्चन क्या आ जाएगा, वन अपॉन म्यू ऑफ जी जिसे हमको ले लेना ये पीछे यहाँ पे वेयर साइन सी इज इक्वल टू क्या होता है, वेयर सी इज इक्वल टू क्रिटिकल एंगल म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स द एक्सटेंट बाय व्हिच लाइट डेविएट्स फ्रॉम इट्स एक्सेप्टेड पाथ, किस हद तक किस एक्सटेंट पे लाइट अपने एक्सेप्टेड पाथ से डेविएट होती है, दैट इज नोन एज द एक्सटेंट इज नॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दिस इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट अभी हम लोग देखते हैं क्रिटिकल एंगल को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, क्रिटिकल एंगल को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है, मतलब कौन कौन से पैरामीटर्स जो है चेंज करने से क्रिटिकल एंगल पे कुछ अफेक्ट करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना, फैक्टर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। अगर आपने एक चीज रिलेट कर लिया ना कि क्रिटिकल क्रिटिकल एंगल क्रिटिकल एंगल इज एंगल डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये अगर देख लिया आपने कि क्रिटिकल एंगल क्या है म्यू पे डिपेंडेंट है, तो अगर पहले के कंसेप्ट याद होंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कौन कौन सा इफेक्ट करता है, तो उससे आप इसके बारे में बोल सकते हो। तो लैम्डा के बारे में क्या होता है कि अगर तो फैक्टर्स में कौन कौन सा फैक्टर है, पहला तो वेवलेंथ वेवलेंथ इफेक्ट करता है, दूसरा एक है टेम्परेचर, देखते हैं कैसे कैसे टेम्परेचर। अभी क्या है कि लैम्डा को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल एंगल का क्या होगा, दूसरा टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे तो क्रिटिकल एंगल का क्या होगा, ये देखना है। तो लैम्डा को बढ़ाने से क्रिटिकल एंगल पे क्या होगा, म्यू घटता था इससे क्रिटिकल एंगल क्या होगा बढ़ेगा, नेगेटिव होगा क्योंकि लैम्डा के बढ़ाने से म्यू क्या होगा घटता था, और म्यू कैसे कैसी डिपेंडेंसी है इनवर्सली, ठीक है। अभी टेम्परेचर के बढ़ाने से म्यू क्या होगा घटेगा, तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सी का क्या होगा, सी क्या होगा बढ़ेगा, ठीक है ये चीज। अभी इसके बाद है ना एक दो क्वेश्चन और लेते हैं टी आई आर और क्रिटिकल एंगल के बेस पर, फिर आपको और क्लैरिटी मिलेगी इस पर्टिकुलर टॉपिक का। क्वेश्चन लेते हैं, आपके बुक में है क्वेश्चन डेविएशन थ्रू मैग्नेटिक इन अ ग्लास प्रिज्म, उसको टेलीस्कोप बोलते हैं, डेविएशन डेविएशन थ्रू 90 इन ग्लास प्रिज्म, उसको क्या होता है टेलीस्कोप, लाइट स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर नॉर्मली
जो इंसिडेंट रेट है ये क्या करते हैं नॉर्मली स्ट्राइक करते हैं, तो क्या होगा अनडिफ्रेंशिएटेड पास हो जाएगा। और यहाँ पे इंटरफेस ये वाला जैसे इंटरफेस वन है और ये इंटरफेस टू है, तो लाइट हैंड साइड में एंड इंटरफेस टू क्या होगा वो देखने वाली बात है। इंटरफेस वन में क्या हो रहा है, इंटरफेस वन में क्या होता है लाइट अनडिफ्रेंशिएटेड पास हो जा रहा है, तो ये वाला 45 डिग्री और ये वाला इसके पैरेलल, तो ये वाला एंगल कितनी होगी, ये भी 45 डिग्री आया ना। अच्छा देखो और क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास क्या होता है, क्रिटिकल एंगल क्या होता है 42 डिग्री होता है ना। अभी देखो यहाँ पर क्या करो, एक नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल अगर अच्छा नॉर्मल ये वाला टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, ये 45 डिग्री ठीक है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री। अच्छा एंड अभी यहाँ देखो यहाँ क्या था, रेगुलर मीडियम था, ये डेंसर मीडियम अंदर वाला ग्लास है डेंसर मीडियम, तो यहाँ पे नॉर्मल की वजह से अंदर गया लाइट एंड ठीक है। अभी दूसरा वाला इंटरफेस भी क्या होता है, एड इंटरफेस टू, एड इंटरफेस टू क्या हो रहा है, एड इंटरफेस वन क्या हो रहा है, इंटरफेस वन पे क्या हो रहा है लाइट अनडिफ्रेंशिएटेड पास कर रहा है, अनडिफ्रेंशिएटेड क्योंकि परपेंडिकुलर स्ट्राइक कर रहा है। दूसरा इंटरफेस टू पे क्या हो रहा है, देखो टू पे हो रहा है कि टू मतलब यहाँ तो डेंसर, पहला क्या हो रहा है डेंसर से रेयर की तरफ जाना चाह रहा होगा, एज एक्सपेक्टेड क्या है लाइट रे ऐसे ही जाती है। अगर दूसरा कंडीशन क्या है देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री ठीक है, एंड व्हिच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल कितना 45, तो यहां पे टी ये वाला जो कंडीशन है दैट इंटरफेस है ना टी आई आर का, टी आई आर का क्या हो रहा है कंडीशन फुलफिल हो रहा है, यहाँ पे टी आई आर होगा, टी आई आर कैसे होगा, तो ये अगर 45 डिग्री यहाँ पे नाम हो पड़ा था तो ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री। अच्छा ये 45 डिग्री तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है एट इंटरफेस टू, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, अब व्हिच इज दिस शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या, रिफ्लेक्शन भी क्या हो गया 45 डिग्री। अच्छा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन मिला के कितना 45 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, यहां पे 90 डिग्री फॉर 90 डिग्री का मतलब क्या होगा, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है तो ये परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर होगा तो कैसे ऐसे पास करेगी, अभी यहां स्ट्राइक करेगा यहां 90 डिग्री ठीक है, ये पैरेलल, ये पैरेलल दोनों से इससे परपेंडिकुलर जैसे परपेंडिकुलर तो लाइट का अगर अंडर रेट भी पास होगा ठीक। एक और रे ले रहे हैं हम, वो रे थोड़ा सा नीचे जैसे कि यहाँ पर स्ट्राइक करें है ना, यहाँ पर स्ट्राइक करें सेम प्रोसेस जो आपने इधर के लिए किया, एट इंटरफेस थ्री क्या होगा, देखो इंटरफेस थ्री क्या होगा लाइट स्ट्राइक कर रही है 90 डिग्री पे, सो अनडिफ्रेंशिएटेड यहाँ पर एट इंटरफेस थ्री लिख लो, एट इंटरफेस थ्री अनडिफ्रेंशिएटेड क्यों, क्योंकि लाइट स्ट्राइक कर रही है परपेंडिकुलर, एक्स देखो ये टोटल 90 डिग्री, ये वाला लाइन इसके पैरेलल है और ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये भी इसके परपेंडिकुलर ठीक है। अभी सिमिलरली एक और रे इंसिडेंट रे स्ट्राइक कर रही है 90 डिग्री, तो सेम ऐसा ही तो केस है, ऐसा ही केस है तो सीधे पास करा दो, यहाँ पे भी वैसा ही केस है, ये 45 डिग्री ये लाइन इसके पैरेलल तो ये भी 45 डिग्री है ना, जब ये 45 डिग्री तो यहाँ पे सेम यही सारा जो इंटरफेस टू पे जो हो रहा है ये इसको टू डैश मान लो, इसको टू डैश मान लो, सेम टू के तरह यहाँ पे भी होगा तो लाइट ऐसे हो जाएगी, थ्री पे भी इसको थ्री डैश मान लो सेम 90 डिग्री। अभी देखो लाइट क्या हो गई 90 डिग्री से रिफ्लेक्ट हो गई, क्या हो गई 90 डिग्री से डेविएट, यहाँ पे एंगल ऑफ रेडिएशन क्या हो गया डेल्टा क्या हो गया 90 डिग्री, हॉरिजॉन्टल आ रही थी वर्टिकल चली गई, इंसिडेंट रे कैसा था, इंसिडेंट रे हॉरिजॉन्टल था हॉरिजॉन्टल, और रिफ्लेक्टेड रे या फिर डेविएटेड इमर्जेंट रे कैसा है वर्टिकल, इमर्जेंट इमर्जेंट रे जो है वो वर्टिकल है, वर्टिकल
तो इसीलिए इसका परसेंट डेविएशन थ्रू 90 डिग्री इन लास्ट प्रिज्म, लास्ट प्रिज्म है जो 45 पे था। तो इस पर पर्टिकुलर जो एप्लीकेशन ऑफ TIR है ना, इसको बोलते हैं TIR एप्लीकेशन का यूज पेरिस्कोप की तरह होता है। ये जो पर्टिकुलर ज्योमेट्री से ये जो फिनोमेनन हम करवा रहे हैं इसको ही हम पेरिस्कोप बोलते हैं। नोट कर लीजिए इसको। अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसी का, डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। बस क्या है, आपने एक बार TIR समझ लिया है ना, मैं तो बोलता हूँ कि अलग अलग चीज याद ही क्यों रखना है, 180 डिग्री कब होगा, 90 डिग्री कब होगा। बस आप TIR का सिचुएशन याद कर लो, मतलब कंसेप्ट समझ लो। जैसे कोई भी सिचुएशन दिया है, कोई भी सिचुएशन, हर एक पर्टिकुलर इंसिडेंट रिस्पॉन्सेस सरफेस पे स्ट्राइक कर रही है, उस पर्टिकुलर जगह पे जाके देख लो कि लाइट का क्या होगा। बस हर एक इंडिविजुअल इंटरफेस पे आपने चेक कर लिया तो जो होगा वही होगा। तो एक बार देख लीजिए फिर से, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। सो इसका नाम है आपके बुक में दिया होगा डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। का यहाँ पे क्या है 180। तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, डेविएशन थ्रू 180 डिग्री। इसमें तो मैं क्या बोला कि बस हर एक इंटरफेस पे चेक करना है, हर एक इंटरफेस पे चेक करना है, उसके बाद रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं कब क्या होगा, बस इंटरफेस पे चेक करना है। ये वाला 90 डिग्री है यहाँ पे, और ये क्या है 45 डिग्री, ये भी क्या है 45। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि लाइट के रिलेट से भी यहाँ से कोई एक लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है एट 90 डिग्री, है 90 डिग्री। तो क्या होगा, सीधे पास कर जाएगी, तो इंटरफेस वन मान लो, तो एट वन मैं इंटरफेस नहीं लगा, एट इंटरफेस वन क्या हो रहा है कि लाइट स्ट्राइक कर रही है परपेंडिकुलरली कर रही है, तो क्या हो जाएगा अनडेविएटेड पास कर रही है। अब देखो इंटरफेस टू पे क्या होगा, ये वाला 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये वाला कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या है, डेंसर से रेयर में जा रही है, जाना चाहेगी है ना एज ओके, लेकिन क्या होगा कि यहाँ पे क्रिटिकल एंगल क्या होता है, ग्लास का क्रिटिकल एंगल होता है 42 डिग्री बाय डिफॉल्ट, अगर नहीं दिया हुआ तो ले लो। ठीक है, तो अभी कंपेयर करो, पहला एट इंटरफेस टू, इसको टू मान लो, एट इंटरफेस एट टू, एट टू क्या हो रहा है, एक तो पहला कंडीशन TIR के लिए हमेशा ये चेक करना है टेंसर से नहीं रहे, पहला कंडीशन तो फिर दूसरा कंडीशन एंगल ऑफ आई विच इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड दैट इज इक्वल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल विच इज इक्वल टू 42 डिग्री। तो क्या होगा, 45 डिग्री इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, तो दूसरा कंडीशन इज फुलफिल, तो यहां पे क्या हो जाएगा TIR हो जाएगा। तो यहाँ पे एक नॉर्मल ये हो गया, तो ये यहाँ पे लगेगा, तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा 45 डिग्री। ठीक है, ये भी 45 डिग्री है ना, यहाँ पे 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा 45 डिग्री एंड क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री विच इज ग्रेटर देन है ना फुलफिल हो गया ना। TIR अभी देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे फुलफिल, तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्ट होगी ऐसे, ये भी 45 डिग्री पे, क्यों, थिंक बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ आई इज इक्वल टू एंगल ऑफ आर दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री, तो 45 डिग्री। अभी ये तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, आई प्लस आर इज इक्वल टू 45 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये 90, तो ये इसके परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री सीधे ऐसे पास करेगी। तो अभी देखो ये 90 डिग्री है, ये तो दोनों के बीच में कितना गैप, तो ये दोनों पैरेलल हो गए। अभी लाइट कहाँ स्ट्राइक करी, इंटरफेस 3। अभी इस जगह पे चेक करेंगे, इस जगह पे चेक करो, चेक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, हमेशा परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं उस इंटरफेस के,
तो लाइट स्ट्राइक करी, अभी ये एंगल कितना हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री है ना। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे डेंसर से रेयरर में जाने वाली सेम चीज 45 व्हिच इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, दूसरा कंडीशन ट्रू थी। सो टीआईआर होने के लिए ऐसा ऐसा ये वाला ही 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री तो सीधे हो जाएगी, ठीक है। अभी एक और यहां सामने इंटरफेस 1 पे क्या हुआ, अनडिवाइडेड 2 पे क्या हुआ, टीआईआर क्यू क्योंकि 2 पे से स्ट्राइक करी ये 90 डिग्री, ये 45, ये 45, तो यहां पे लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला है नॉर्मल और ये वाला रे के बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इससे हम इसको कंपेयर करेंगे टोटल क्रिटिकल एंगल से व्हिच इज ग्रेटर देन, दोनों कंडीशन फुलफिल, डेंसर से रेयरर और क्रिटिकल एंगल ग्रेटर, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो यहां पे टीआईआर होगा, टीआईआर होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा तो 45 डिग्री, ये 45, ये 45, 90 डिग्री, तो ऐसे परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर भी पास करेगा और इसके परपेंडिकुलर है इसके पैरेलल होगा, इसके पैरेलल से यहां पे आया इंटरफेस 3 पे चेक कर लेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस ये वाला नहीं है, ये वाला है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस को चेक करेंगे इससे कंपेयर किए, यहां भी डेंसर से रेयरर है, पहला कंडीशन फुलफिल, दूसरा कंडीशन 45 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 42 डिग्री, सो टीआईआर नंबर ये 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री बाय लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये इधर आई यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे किसने 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री, ये इसके पैरेलल है, ये इसके 90 डिग्री, इसके 90 डिग्री, तो जैसे 90 डिग्री तो वापस इमर्जन पे आ जाएगा इमर्जन। अभी बस एक रे और लेना, एक रे और लेना होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, एक रे और लिया तो सेम एक रे सिमिलर भी ऐसा ही है, इंसिडेंट रे है ये वाला, तो दूसरा रे लिया, ये भी परपेंडिकुलरली सीधा पास जाके यहाँ स्ट्राइक करेगी, सेम चीज ये 90 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, यहाँ भी सेम चीज, फिर सेम वैसा ही जैसा फिर उन्होंने यहाँ वैसा यहाँ जैसा यहाँ वैसा यहाँ स्लाइड ले वापस चेक कर सकते हैं फटाफट। डेंसर से रेयरर ये नॉर्मल, ये 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, तो ये दोनों 90 ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पर चेक कर सकते हो ये वाला एंगल 45 डिग्री तो विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, और डेंसर से रेयरर भी है तो लाइट क्या आ जाएगी 45 डिग्री पे इधर आएगी, ये दोनों 90 डिग्री तो इसकी परपेंडिकुलर सीधे, तो इस इंटरफेस यहाँ पे देखो यहाँ भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री पास हो गया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि डेविएशन थ्रू 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या मतलब, जिधर से जा रहा है उसको उल्टा, जिधर से जा रहा है उसको उल्टा अगर आ रहा है तो वही 180 डिग्री है, देखो इधर पीछे प्लेन पे इधर जा रहा है सेम पैरेलल क्या होता है 0 डिग्री है ना इनके बीच में, और 90 पैरेलल को ही तो 180 डिग्री बोलते हैं, तो देखो 90 पैरेलल दोनों पैरेलल है, ये भी 90 डिग्री पे स्ट्राइक कर रहा है, ये भी 90 डिग्री, तो 90 डिग्री स्ट्राइक कर रहा सेम लाइन पे, तो पैरेलल हो गया है ना, तो दो पैरेलल लाइन जा रहा था और वापस किया गया एंटी पैरेलल हो गया, इधर से जा रहा था इधर से वापस आ गया, इधर से जा रहा था इधर से वापस आ गया, कितना होगा 180 डिग्री, एंटी पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है 180 डिग्री और पैरेलल लाइन के बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री, सो इसलिए होता है डेविएशन, कितना डेविएट हुआ, इधर से जा रहा था वापस घुमा दिया उसको उसी ट्रैक पे वापस बाउंस बैक कर दिया। तो नोट कर लीजिए, होप सी बहुत, अगर ये चीजें जिसने समझ लिया है कितना 3-4 जो यहां पे डेविएशन हो रहा है, ये चीजें जिसने समझ लिया तो एग्जाम किससे कम ही पूछने वाला है। एक इंटरफेस पे ऐसा रखा किया है यहां पे आपने यहां पे चार जो इंटरफेस, चार इंटरफेस पे आपने किया जाता है तो आपके एग्जाम में एक या दो जगह है, ठीक है, थैंक यू।